आप देख रहे हैं न्यूज टुडे NT24। खबर सबसे पहले। खबर मिर्जापुर से। मिर्जापुर जनपद के अदलहाट थाना क्षेत्र के गरौड़ी गांव निवासी शेरू कुरैशी कई वर्षों से गौवंश तस्करी के अवैध कार्यों में संलिप्त था, जिसके ऊपर विभिन्न धाराओं में मुकदमा भी दर्ज है। कुछ वर्षों पहले थाना कटरा द्वारा शेरू कुरैशी की गौवंश तस्करी के अवैध कार्यों में संलिप्त ट्रक को पकड़ा गया था। आए दिन गौ तस्करी के मामले शेरू कुरैशी पर बढ़ते जा रहे थे, जिस संबंध में कार्रवाई करते हुए न्यायालय द्वारा गौ तस्करी के पैसों से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही का निर्देश दिया गया, जिसके तहत गुरुवार को एसपी सिटी के नेतृत्व में थाना कटरा पुलिस ने शेरू कुरैशी की एक ट्रक, इसकी कीमत परिवहन विभाग द्वारा लाखों में आंकी गई है, को सीज किया गया। देखिए, जनवरी माह में जो है एक गोवध अधिनियम का मुकदमा दायर हुआ था पीएस कोतवाली जनपद मिर्जापुर में, और उसमें 25 गायें थी जो है जिसके आधार पर ये पशुपूर्ति अधिनियम प्लस गोवध अधिनियम का मुकदमा कायम हुआ था। और जिस मालिक का ये ट्रक है और जिसके द्वारा ये कार्रवाई की गई थी, अपराध के कारित किया गया था, उसको इसमें मुलजिम है वो, तो उसके इस जो उसमें अपराध करके जो ये ट्रक कमाया था, इसे साबित हुआ तफ्तीश से, और उसी आधार पर एक गैंगस्टर का मुकदमा दायर हुआ था। और उस गैंगस्टर के तहत उसमें 14(1)(1) धारा बनती है, जिसमें जो प्रॉपर्टी अपराध करके कमाई जाती है उसमें सीजर की कार्रवाई की जाती है, कुर्की की कार्रवाई की जाती है। और डीएम साहब के आदेश से 25-8 को ये आदेश हुआ था डीएम साहब का, जिसके तहत ये सीजर की कार्रवाई की जा रही है पीएस कोतवाली कटरा में, और इसमें निश्चित तौर से यहाँ का स्टाफ इसके लिए बधाई का पात्र है। कितने लाख की होगी ये सीजर की कार्रवाई, कितने की? वैसे आज की डेट में आरटीओ ऑफिस से इसका जो है 3,25,000 इसका दाम निकाला गया है। वैसे प्रथम दृष्टया लग रहा है कि 10 लाख या उससे ऊपर का दाम है, लेकिन चूंकि टेक्निकली थोड़ा पुराना हो गया है तो 3,25,000 इसका जो है दाम। मिर्जापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट।